हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में बना कांग्रेस का बोर्ड नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बोले, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रमुख के चुनाव में सबसे रोमांचक मुकाबला बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पर भाजपा और कांग्रेस बराबर सीट होने के बावजूद भी कांग्रेस अपने 61 साल की गत को बचाने में कामयाब हो गई। जिला परिषद के 37 मतों में से भाजपा के रूप सिंह को 16 मत मिले, जबकि कांग्रेस के महेंद्र चौधरी को 21 मत मिले। कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी में घुसपैठ कर बहुमत से दो अधिक मतों के साथ अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही है। कांग्रेस के नव निर्वाचित महेंद्र चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख का ये चुनाव रोचक था, 18-18 सीट बराबर थी, फिर भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता दिखाते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, विधायक मेवाराम जैन, अमीन खान, मदन प्रजापत, हेमा राम, पद्मा राम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्यों और हर कार्यकर्ता ने निष्ठा से काम करते हुए ये ठान लिया था कि कांग्रेस का बोर्ड बनाना है, और आज कांग्रेस का बोर्ड बन गया है। नव निर्वाचित जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर के बारे में भी विस्तार से बताया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।